खबर रायपुर से, जहां राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ की राज्य प्रबंधन समिति की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी चौथवीं बैठक ली। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों पर उनके परिजनों के कार्यों से संबंधित चर्चा की गई। वहीं भूतपूर्व सैनिकों की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी, रोजगार आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक में राज्यपाल ने बताया कि महंगाई को देखते हुए शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है। बच्चों के कोचिंग सेंटर में दी जा रही राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इस तरह से बैकुंठपुर और रायगढ़ में भी इनका सैनिक जो है रेस्ट हाउस निर्माण होना है, तो उसकी भी समस्या थी कि वहां पर जगह नहीं हुई है। आपका सरगुजा जगदलपुर में तो तैयार हो गया। तो भूतपूर्व सैनिक लोग आते हैं ना, अपनी समस्या को लेकर रुकने की बहुत दिक्कत होती है, तो इसका मुख्यालय जगदलपुर भी है और सरगुजा भी है, यहाँ तो पूरा प्रदेश का है। तो हर जगह में इस तरह के अब जो है रेस्ट हाउस की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ की भूतपूर्व सैनिक लोग जाकर अपनी समस्या है, अपना पेंशन से संबंधित है या मेडिकल है, कहीं पर भी आते हैं तो उनको सम्मान तो मिले।